श्री राधा श्याम सुंदर देव जू की जय। श्री नताय गौर हरि वो श्री भागवत महापुराण की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय की पराशर सत्यवती हृदय नंदनोव्यास यमलगल्तम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्पंथ चल हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिकोहम वराकुरकोपी तस्य हरे मदकमल वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात् सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण लता श्री विशाखान्विता आयाभुजौ कनकावदात संकीर्तन पितरौ कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्कुलकरौ करुणावतारौ नारायण नमस्कृत्यौ नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीरये वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे गुरुमते दयांतरा बुलवृंदावन हरिलाल की। श्री एकादश स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण पूर्व प्रसंग में श्री उद्धव जी को कृष्ण उपदेश देते हुए उद्धव ने एक प्रश्न किया था कि योगी भी और विषयी जन भी दोनों ही इसी संसार में रहते हैं और उनकी चेष्टाएं तो लगभग एक सी हैं, सब खाते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, तो उन दोनों में अंतर क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्णचंद्र ने यही कहा कि एक संसारी शरीर के कार्यों को अपना आत्मा का कार्य करके मानता है, जबकि एक ज्ञानी ये विचार करता है कि नहीं, मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं अलग हूं। ये दोनों में अंतर है। सो एक व्यक्ति की आत्मा केवल साक्षी है, दूसरे की आत्मा वो देह को ही आत्मा मान रहा है। तो वन इज देहात्मवादी एंड अदर इज थिंकिंग दैट आई एम ओनली ए विटनेस, द वर्क इज बीइंग डन बाय माय बॉडी। ये दोनों में अंतर है, एक ज्ञानी में और एक भक्त में और एक मुक्त में। वन इज बाउंडेड एंड अदर इज लिबरेटेड।
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पर्सन्स. अब श्री ज्ञानी के स्वभाव को, ये तो हो गया क्या दोनों में अंतर है. अब ज्ञानी के स्वभाव को हम कैसे पहचानेंगे, कोई ज्ञानी है कोई नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका एक उत्तर दिया कि जिसमें कोई संकल्प नहीं हो, जो कोई अभिलाषा नहीं रखता हो, उसको हम ज्ञानी कहेंगे. इसी तरह से यदि कोई निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो स्तुति पाकर के वो प्रसन्न नहीं हो रहा है, निंदा पाकर के वो दुखी नहीं हो रहा है, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे. जिसकी प्राण इंद्रिय मन इनकी वृत्तियां, इनसे वो अपनी आत्मा को अलग करके मान रहा है कि मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरे प्राण काम कर रहे हैं, मेरी वृत्तियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, मैं तो साक्षी हूं. गहरी नींद में मेरे प्राण काम कर रहे हैं कि वो श्वास चल रही है. व्हाइल ही इज इन साउंड स्लीप इवन देन ही इज जस्ट विंड्स आर एयर इज गोइंग ऑन हिज श्वास हिज विंड इज गोइंग ऑन दैट्स ऑल. सो ही इज टेकिंग श्वास ब्रीथिंग. इसी तरह से स्वप्न में एक ज्ञानी सोचता है कि मेरा मन काम कर रहा है. स्वप्न की अवस्था में, सुषुप्ति में केवल मेरे प्राण काम कर रहे हैं, स्वप्न में मेरा मन काम कर रहा है. इन साउंड स्लीप माय ब्रीदिंग इज ओनली वर्किंग एंड एवरीथिंग इज मर्ज्ड इनटू माय ब्रीदिंग. इन ड्रीम्स माय माइंड इज ओनली वर्किंग, माय बॉडी इज स्लीपिंग. एंड इन जागृत अवस्था व्हाइल ही इज एवोकिंग देन ही थिंक्स दैट ओनली ही इज स्थूल बॉडी and his mind both are jointly working. वे दोनों मिल करके काम करते हुए विराज. तो एक योगी को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि यस्य आत्मा हिंसते हिंस्रै येन किंचित यदच्छया अर्चते वा क्वचित तत्रो न व्यतिक्रियते बुधा. यस्य आत्मा हीयते, हाँ इट इज 15th वर्स, 15th वर्स. अच्छा यस यस तो 30, यस वी कैन टेक 30. वैशारहि ईक्षया असंग श्रुत्या छिन्न संशयः. दिस इज explained previously, a person has the वैशाग्य. वैशाग्य माने भक्ति, उसमें भक्ति की बुद्धि है. और वैशाग्य इच्छा, a discrimination power that is accompanied with the भक्ति. And he has the ज्ञान, the discrimination. And by that discrimination, what is useful and what is not useful, कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी वस्तु झूठ है, what is true and what is false, ये discrimination उसके हृदय में है, ये विचार उसके हृदय में है, कौन सी वस्तु सत्य है कौन सी झूठ है. और इस ज्ञान और भक्ति के द्वारा छिन्न संशय, उससे सारे संशय अपने दूर कर लिए हैं. ऐसा जो व्यक्ति है वो प्रतिबुद्ध व स्वप्न, वो व्यक्ति स्वप्न से जागे हुए के समान है. जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति बड़ी आपत्ति भोग रहा था, डाकुओं ने उसकी छाती के ऊपर बंदूक रख रखी है, कोई उसके डंडे से पीट रहा है, परंतु जाग जाए वो, अरे ये तो स्वप्न था जागने पर. सो एज ए पर्सन इज फेसिंग मैनी ट्रबल्स इन ड्रीम, बट एफ
if he is evoking, then you think, trouble was not actual. I evoking and that was my illusion. That was the illusion of my mind. So, prasibuddha swapna natva nivartate. Go bandhanatva nivartate. Go उन सारे बंधनों से निवृत्त हो जाता है, दुखों से निवृत्त हो जाता है. सो ही फील्स द लिबरेशन फ्रॉम दोज डिफिकल्टीज व्हाट ही वाज फेसिंग इन हिज ड्रीम टाइम. इन द सेम वे ए ज्ञानी इज लिबरेटेड फ्रॉम ऑल calamities and difficulties, sorrows, but a bandhijan, a bounded person by Maya, he always feels sukh and dukh, sometimes happiness, joy, sometimes difficulties. Jnani thinks that these difficulties are of my body, not of my soul. But a padhijan, a general person, he thinks that these difficulties are mine. Yasya surbhit sankalpa. Ab jnani, a jnani ko kaise pehchane, isko bata rahe hai. What are the gestures of a jnani? Now he is going to discuss the second question. Shri Uddhava asked him, Shri Krishna, that how a jnani can be recognized. So he is saying the gestures. Pucha tha ke jnani kaise pehchanne mein aayega, to uski pehchan bata rahe hain. Jnani ki bahar se pehchan. Ki yasasu बीज संकल्पा प्राण इंद्रिय मनोधिया. एक ज्ञानी की प्राण इंद्रिय मन बुद्धि ये सब में कोई संकल्प नहीं रहते हैं. जैसे ठाकुर लख रहे हैं वैसे रह रहा है. शरीर को कष्ट होगा, शरीर को दुख होगा, मैं तो केवल साक्षी हूं, इस तरह का व्यवहार विचार धारण करके एक ज्ञानी रहता है. तो वो बीज संकल्प होकर के विदाउट एनी डिजायर ही इज लिविंग और उसके प्राण इंद्रिय मन इनमें कोई संकल्प नहीं है. शरीर को कष्ट मिल रहे होंगे या सुख मिल रहे होंगे, मुझे इससे क्या, ये विचार कर रहा है. वृत्ति असंग मृदुर वक्ता है और वो मुझे सुख मिले दुख न मिले इसके लिए भी प्रयत्नशील भी नहीं है. ही इज नॉट वेरी मच कॉशस दैट लेट मी गेट सुख and let me be relieved from all ties and all dukkh. इनसे भी वो मुक्त होकर के विराजमान. देहस्तोपि तद्गुणैः. यद्यपि वह शरीर में विराजमान है परंतु शरीर में विराजमान होकर के भी वह उन गुणों से मुक्त है. सो दो ही लिविंग इन हिज बॉडी इवन देन ही इज फ्री फ्रॉम दोज टाइज of bodies and those experiences sukh aur dukh jo sharir ke sukh dukh hain unse wo mukt ho kar ke hi wo gyani virajman hota hai aur gyani ko un dukhon ki prapti nahi hoti. Ye ek pehchan hogi to turant pehchanne mein aa jayega. Dukh dene se kya isko vyakulta hui, yadi vyakulta nahi ho rahi hai to samajhna chahiye ki ye gyani hai aur ye vyakulta ho rahi hai to samajhna chahiye ye संसारी है, बद्ध है, देहाभिमानी है, देह को ही आत्मा मानता है. नहीं, दोनों में अंतर है. ज्ञानी मानता है मैं शरीर नहीं हूं, भक्त मानेगा ये शरीर मुझे ठाकुर के लिए मिला है, संसारी मानेगा ये शरीर ही मैं हूं. ये तीनों के अंतर. संसारी मानेगा शरीर में हूं,
हाँ अहंकार भी होता है, होता है, हो जाता है। हाँ तो इसका मतलब है ज्ञान पका नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसका ज्ञान पका नहीं है। ज्ञान आने पर कहीं पुरानी माया जो है वो प्रभाव डालती है, तो बिल नहीं, तो ज्ञान की बिल नहीं होती, बिल नहीं होती। तो यस आप 15वां देख रहे हैं, यस्य आत्मा हिंसते हिंसई न किंचित न किंचित यत दृच्छया, यस्य आत्मा हिंसते हिंसई। कभी कभी दूसरे लोग एक अज्ञानी की बात कर रहे हैं, ज्ञानी की आत्मा को दुष्ट लोग कभी हिंसुक लोग कहीं उसे मारते हैं, सो समटाइम्स ही इज अटैक्ड बाय सम अदर पर्संस, सो यस्य आत्मा हिंसते, परंतु फिर भी ये न किंचित यद इच्छया, और वो भी किसी दूसरे को किसी इच्छा से नहीं मारता है। समटाइम्स सम पर्संस असॉल्ट ऑन हिम बट इन द सेम टाइम बट ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई दैट, एंड समटाइम्स ही ऑल्सो नेवर असॉल्ट द अदर पर्संस, वो दूसरों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करता है। एक ज्ञानी, ज्ञानी किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, दूसरे उसके ऊपर आक्रमण करें तो उससे प्रभावित नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कि अर्चिते वा क्वचित तत्र, कोई उसको ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठा करके उसकी पूजा कर रहा है, परंतु न व्यतिक्रयति बुधा, दोनों स्थितियों में उसमें कोई विकार नहीं आएगा ज्ञानी में। इफ ही इज रेस्पेक्टेड और इफ ही इज इंसल्टेड इन बोथ पोजिशंस, ए ज्ञानी विल नॉट बी इफेक्टेड एंड ही विल नॉट have the concern with that what is going on, he will not be affected by that. तो यस्य आत्मा हिंसते हिंसई न किंचित यदृच्छया अर्चिते वा क्वचित तत्र न व्यतिक्रियते बुधा, जिसकी आत्मा माने शरीर हिंसते हिंसई दुष्टों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, और ये किंचित यदच्छया, और जो यदच्छया माने किसी कामना को रख करके किसी दूसरे के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है, इज नॉट असोल्टिंग एनीवन हैविंग ए डिजायर इन हिज हार्ट। ऐसा जो व्यक्ति है अर्चिते वा क्वचित तत्र, कभी उसको सिंहासन के ऊपर बैठा करके पूजा की जा रही है, परंतु न व्यतिक्रियते, उसमें कोई अभिमान नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ज्ञानियों में ये बात बड़ी दिखती है, और अपने ही वृंदावन में उड़िया बाबा, अब कोई तो आकर के उड़िया बाबा की पूजा कर रहा है उस समय, और वो जो मारने वाला है वो भी पहले आता है, उड़िया बाबा को माला पहनाता है, प्रणाम करता है, फिर पास में पड़ रखी हुई जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी को लेकर उड़िया बाबा के तीन टुकड़े कर लेता है, तीन जगह मार देता है। हाँ वो 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 तो वो हाँ नहीं नहीं कभी कभी तो वो कारण ये पंत उनका ज्ञान उड़िया हुआ का जरूर माने बंद नहीं है कि कोई पूजा कर रहा है उसके प्रति भी उसके हृदय में दोष नहीं है, और जो मार रहा था उसके हृदय के प्रति भी उनके हृदय में उस समय क्रोध नहीं आया, उस समय भी क्रोध नहीं आया, ये ज्ञान की ज्ञानी का स्वरूप उस समय दिखा। ज्ञानी का क्या बात, जबरदस्त ज्ञान थे, और ये शंकर अखंडानंद जी वगैरह ये सब उनसे ही शिक्षा लेते थे, उनसे कोई भी संदेह होता था तो उनसे ही पूछते थे। उड़िया बाबा कहूँगी कोई शिष्य तो वो तो ये है हाँ कर पाते अब एक ज्ञानी का स्वभाव बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं कि न उस्तुत्वी तो न निंदे तो पूर्वत साधु साधुवा, ज्ञानी
रहता है तटस्थ रहता है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी स्तुति नहीं करेगा, बुरा काम कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं करेगा, मुझे क्या करना, ये कहकर के चला जाए बिना देखे, न स्तुति तो न उसको स्तुति करने। एक ज्ञानी डू नॉट प्रे प्रेस एनीवन, नाइदर ही विल कंडेम और चेष्टाइज एनीवन, मैं निंदित साधु असाधु भक्तों गुण दोषाभ्याम, किसी के गुण दोष इनका भी वर्णन नहीं करेगा, किसी की कमी भी नहीं बताएगा और किसी के क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज ही विल नॉट एक्सप्लेन टू एनी अदर वन। वर्जित है, गुण दोषों से वर्जित है समदृत मुनि, और जो भी स्थिति है उसमें वो समान होकर के ही विराजमान रहेगा, समदृष्टि रहेगी। कोई आदर दे रहा है तब भी समदृष्टि, और निरादर कर रहा है तब भी एक ज्ञानी की समदृष्टि होगी, मुक्त व्यक्ति। इसी बात को फिर आगे कह रहे हैं कि न कुरियान न बने किंचित न ध्याय साध साध हुआ, वो न तो स्तुति निंदा करेगा न बने किंचित, कुछ बोलेगा भी नहीं, साधु असाधु अच्छा है बुरा है ये भी वो नहीं कहेगा। आत्मा रामो अनियावत्या, वह आत्मा में ही निजानंद में ही दूर रहे दुआ रहेगा। आत्मा राम माने अपने आनंद में, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मेरा अपना स्वरूप आनंद में है। आनंद में नहीं होता तो सबका ही स्वरूप आनंद में नहीं होता, तो गहरी नींद से जागने के बाद में हमको ये अनुभूति कैसे होती मैं सुख में था। इसका मतलब है कि जब संसार नहीं है उस समय हमको आनंद है, तो आनंद कहीं विराजमान है। तो आत्मा राम अनियावृत्या, उसका नाम है आत्मा राम, कि मैं देह के सुखों से सुखी नहीं हूं, सुख मेरे भीतर है, ये विचार कर रहा है। बिरचे जड़ वदमुनि, और इस प्रकार जड़ की तरह से वह विचरण करता है, वो अपने जीवन को बिता देता है, प्रारब्ध को बिता देता है। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाएंगे तब वो ब्रह्मलीन हो जाएगा, जब तक प्रारब्ध है तब तक विचरे वो विचरण करता रहेगा, जड़ की तरह से वो देह यात्रा करने के लिए सुखों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा न कुरिया। सो लेट मी गेट समथिंग ऑफ जॉय, ही विल नॉट बी एफर्टफुल फॉर दैट, न बदे किंचित, ही विल नॉट neither criticize neither he will pray anyone, na dhyaye sadhu sadhava, what a person is doing, is he doing good or bad, and he has done good or bad to me, he will not na dhyaye, wo iska bhi vichar nahi karega। atma ramo anyavritya, in this way wo atma ram hai, aur is vritti ke dwara atma ram, that means he will always consider that my swarup, my form is, my swarup is anand, I am anand, I am joy, and by this way of life which is jal bandhuni, wo jal ki tarah se he will stay like a unacting और अन एनिमेट इनएनिमेटेड थिंग ही विल लिव देयर, एंड ही विल रिमेन मुनि मम, ही विल नॉट स्पीक। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यदि रक्षता। अब एक ज्ञानी का विचार क्या है उसको बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पंडित शब्द ब्रह्म में तो निष्णात है, माने वेद को तो खूब जानता है, और न निष्णातो परे यदि, और उसने भजन कभी किया नहीं है, पर ब्रह्म का अनुभव किया नहीं है, कोई व्यक्ति पुस्तक तो खूब पढ़ा है, शब्द ब्रह्म में खूब निष्णात है, किताबें खूब पढ़ा है, परंतु न निष्णायात परे यदि,
पर ब्रह्म उसका कभी उसने अनुभव करने की कोशिश ही नहीं की। तो ऐसा जो व्यक्ति है, भले कितने भी बड़े से बड़ा विद्वान हो, श्रमस्तस्य श्रमफला, उसने जो कुछ भी मेहनत की उसका कोई भी फल नहीं है, उसको फल मिलेगा उसके श्रम का, श्रम ही फल है, माने वो परिश्रम करते करते मर जाएगा परंतु उसको मिलेगा कुछ। वाह, ये पंडितों की यही दुर्दशा है। पंडित मानने वाले जो है ना, वो दिन भर पुस्तकों में लगे रहेंगे परंतु ठाकुर का कभी, ठाकुर के प्रति संबंध उनका कोई नहीं। तो ऐसा, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बेकार। तो उनका जो परिश्रम है, वो उनका परिश्रम केवल परिश्रम ही उनको हाथ में लगा, उनको परिश्रम ही हाथ में लगा। हृदय नरेव रक्षता, जैसे हाँ, तो जो पंडिताई प्राप्त की है, पढ़ा है, उसका भजन के लिए उपयोग करना चाहिए और उसके द्वारा स्वयं साधन मेरा पक्का हो ये विचार करना चाहिए। केवल शास्त्रार्थ करने के लिए भजन किया, तो पढ़ाई की, तो क्या लगा भजन कितना करना चाहिए, कितना भजन करना, तत्व फल तो भजन ही होना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन होने के बाद में मुख्य रूप से तो पूरा भजन करना चाहिए, सही बात नहीं है। शास्त्र का एक बार अध्ययन हो जाए तो इसके बाद में तो भाई समझ गए, क्योंकि शास्त्र नहीं समझेंगे तो ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। तो ग्रंथ को समझने के लिए शास्त्र को पढ़ लिया, परंतु इसके बाद में ग्रंथ क्या कह रहा है इस बात पर इसको समझना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। सही सही बात है। तो उसने जो परिश्रम किया है उसको परिणाम में वेतन के रूप में, परिणाम के रूप में केवल परिश्रम ही उसको हाथ में लगता और कुछ नहीं। अब जैसे कोई महिला फटक रही है चावल दाल गेहूं और फटक करके जो छिलका उड़ रहे हैं उनको वहीं के वहीं हटके हुए में ही डालती जाए, तो मूर्खता ही है। बात तो वहीं की वहीं रही, उसको केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ में लगा, कुछ काम तो हुआ नहीं। तो वो वाली बात है, समस्त से श्रम कर। अब इसका तात्पर्य ये हुआ नाउ इन इंग्लिश कि शब्द ब्रह्मण निष्णा को, इफ ए पर्सन इज वेरी मच स्टूडियस इन वेद एंड न निष्णाया परे यदि बट ही इज नॉट डूइंग एनी डिवोशन और एनी आराधना एंड ही इज नॉट वेरी क्लेवर इन परम ब्रह्म, दैट मीन्स द रेलिशमेंट ऑफ द स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्ण, he is not relishing it, then shramastasya shramphala, whatever he has work, what he has done the labor in his studies, that is that will cost and that will give only the shram, parishram, that means tiredness, that tiredness is only his result. He will get only tiredness. So, वो केवल थकेगा, थकान ही उसको परिणाम के रूप में मिलेगी। The tiredness, he will get the result, return of tiredness. Nothing else. As hedenu eva rakshatah, a person is just having, is protecting a adhenu, that means the cow which is not giving milk, then he is, if he is serving them, then he will not get any result. Adhenu means if a person is just protecting a bull but not using it, then that he will get no result. अब बैल रखा है तो या तो बैल से खेती करवाए, तो let him use that bull, but he is not neither using that bull, and that bull will not give him milk. तो अधेनु एव रक्षता, जो गाय नहीं है ऐसी गाय की रक्षा,
which is not cow, and if he is protecting them, then he will get nothing. So वो केवल यूं ही जाएगा. इसी बात को ये व्यवहार की दृष्टि से कहा, धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहे. यो तो गाय का पालन करना ही चाहिए, गोवंश का पालन करना ही चाहिए, तो वो भी एक लाभ की बात. काम दोहम असत्यम च भार्याम देहम पराधीनम असत प्रजाम च. नाउ ही इज गिविंग ए लिस्ट. काम दोहम इफ ही हैज ए काउ दैट इज दुग्ध दोहम हु विल नॉट गिव मिल्क एनी मोर. दुग्ध दोहम असत्यम च भार्याम इफ हिज wife is not sati, not chastity, not following the chastity. Asatim cha bhaarya. Deham paradhinam. If one's body is always slave, he is a slave. Deham paradhinam. And asat prajamcha, and he is having sons, but they are wicked persons. Vah bure vyakti hai. Vittam tatarthi kratam. He has money, but he has not given it to a proper person. He has not donated it to a proper person. So vittam to atirthi kratam. Ang vacham heenam maya, and his tongue is without the glories of Shri Krishna. Vacham heenam maya, uski vani Krishna ke gunanvad ka gayan nahi kar rahi hai, glories ka gayan nahi kar rahi hai. Aur unki yadi koi rakshati, if a person is protecting these things, then he is dukkha dukkhi. He will get always dukkha. He will feel himself sorry at the time of the process as well as on the time of the result. Every time he will get dukkha. So, yadi dugdh dohaam jiska dudh doha liya gaya hai aisi gaam 19 mashlok hai. 11th adhyay ka 19 mashlok. Gaam dugdh dohaam. जिस गाय का दूध दुहा लिया गया है, ऐसी गाय की यदि रक्षा करे तो केवल परिश्रम हाथ लगेगा. इसी तरह से असतीम च भार्या, यदि चंचला स्त्री सती नहीं है ऐसी स्त्री का पालन करेगा तो वो स्त्री घर में जितना भी सोना चांदी दौलत है उसकी पोटली बात करके भाग जाएगी और उसको कुछ नहीं मिलेगा. असतीम च भार्या वो उसको त्याग कर देगी. देहम पराधीनम एक एक व्यक्ति जी तो रहा है परंतु स्लेव है, नौकर है, दास है, तो मालिक जब आएगा तब उसमें कौड़ी लगाता हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है. और वो जो कार्य कर रहा है उसका कार्य का फल उसे नहीं मिला है, कार्य का फल मालिक को मिले. देहम पराधीनम और असत प्रयाम च, यदि किसी की संतान हो परंतु दुष्ट हो तो उसकी संतान पाने का भी उसको कोई फल नहीं. वित्तम तो अतिरिक्तम, किसी के पास में धन है परंतु अतिरिक्तम योग्य व्यक्ति आने पर उसने उसको दिया नहीं, सत्पात्र को उसने धन का दान नहीं किया, तो ऐसा जो धन है अंग ये संबोधन है, हे प्यारे वाचन हीनम मया, और जिसकी वाणी बोलता तो खूब है परंतु उसकी वाणी कृष्ण गुणानुवाद का गायन नहीं करती है, वाणी मुझसे हीन है, ऐसी ही इन सारी चीजों की जो रक्षा करता है वो व्यक्ति दुख दुखी, साधन अवस्था में भी दुखी है और फल अवस्था में भी अंत में भी उसको दुख मिलेगा, पहले भी और बाद में भी. वाइल ही इज वर्किंग एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ही विल गेट
दुख इन द सेम वे एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ही विल ऑल्सो गेट द दुख। परंतु यस्याम न मे पावन मंग कर्म स्तुति भाव प्राण निरोध मस्यो लीलावतारे सिद्ध जन्म वास्या बंध्या ग्रांताम ब्रह्मांड भी रहा। उस वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिस वाणी में भगवान के गुणानुवाद का गायन किया गया है। यस्याम मंग जिस वाणी में न मे पावन मंग कर्मो ओ अंग ओ प्यारे उधव उद्धव जिसमें मेरे कर्मों का वर्णन नहीं किया गया है, जिस वाणी में मेरी लीला का वर्णन नहीं है, अथवा स्थिति उद्भव मन सृष्टि की लीला का, स्थिति की लीला का और प्राण निरोध मन प्रलय की लीला का जिसमें गायन नहीं किया गया है, और लीला अवतारेक्षित जन्म और लीला अवतारों में मैंने लीला अवतार नृसिंह वराह आदि जो लीला अवतार है उनको धारण करके जो लीला पार करने के लिए जो जन्म धारण किया, लीला करने के लिए जो मैंने ईप्सित जन्म अभीप्सित जन्म प्राप्त किया है उनका जिसमें वर्णन नहीं है, बंध्या गिरामता इनसे बंध्या माने इनसे रहित यदि उसकी वाणी है तो ऐसी वाणी को प्रभ्यंत धीरा एक धीर पुरुष को धारण नहीं करना चाहिए। अर्थ होगा कि इफ ए पर्सन हैज द लैंग्वेज बट दैट लैंग्वेज इज नॉट एकम्प्लीट इट इज नॉट कॉन्सेंटिंग इट इज नॉट कॉन्सिस्टिंग द पास्ट टाइम्स वेरी पायस पास्ट टाइम्स ऑफ माइंड एंड दोज पास्ट टाइम्स आर माई वेरियस लीला पास्टाइम्स एज वेल एज द स्थिति उद्भव एंड संहार दैट मीन्स सृष्टि पालन एंड संहार क्रिएशन द एग्जिस्टेंस एंड द डिस्ट्रक्शन लीला अवतार जन्म एंड आई हैव टेकन सो मेनी बर्थ फॉर लीलावतार एज निसिंग वराह इफ दैट बाई दैट लैंग्वेज दैट स्पीकिंग is not containing them, then bandhya girasta, that language is always bandhya, is in vain, it is useless, that language is always useless. So, brahmyanga dhiraha, a person should not speak such a language and neither he should listen such a language. Usbani ko sunna na chahiye, dhir vyak. धीर वो जो कि घर में रहते हुए भी घर में आसक्ति न रख के उस व्यक्ति का नाम है धीर, और जो घर का त्याग करके कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करके विराजमान हो उसका नाम पुरुषोत्तम। ये नरोत्तम, ये धीर और नरोत्तम, ये प्रथम स्कंध तृतीय स्कंध में नहीं दो प्रथम स्कंध में ये विदुर जी निरूपण करे आए विदुर जी के प्रसंग में विदुर ग्रहता के प्रसंग में ये बताया गया। धीर वो है जो घर में रहते हुए भी घर में आसक्ति नहीं रखती, जैसे गृहस्थी अच्छे सद गृहस्थी जो है वो घर में रहते हुए भी घर में आसक्ति नहीं है, वे हो गए सद गृहस्थ उनको कहेंगे धीर, और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया वे लोग कहलाएंगे नरोत्तम ब्रह्मांड। अच्छा एवं जिज्ञासा को यो नानात्वं ब्रह्मात्मनि उपारमेति बिरजं मनोमयत्वे सर्वगे एवं जिज्ञासा को यो इस प्रकार क्या चीज सत्य है क्या चीज झूठ है, क्या चीज मेरे लिए लाभदायक है और क्या चीज लाभदायक नहीं है, इस जिज्ञासा को रख करके ऑलवेज हैविंग दिस डिस्क्रिमिनेशन that what is useful to me and what is not, what is true and what is false, इसको रख करके अपोय हो जो गलत वस्तु है उसको त्याग कर दे, उसको एक व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। अपोय कहते हैं त्याग करना,
अपो माने दूर होना, अपोहो विश्लेषा जो किसी चीज से अलग हटना, इस क्रिया का नाम है अपो। तो अपो यो माने उसको दूर करके, नानात्व भ्रम आत्मनि, उसने जो अनेक प्रकार का भ्रम रखा है इस भेद बुद्धि का भी त्याग कर देना चाहिए उसे। और उसे विचार करना चाहिए कि भगवान की ही सारी मायाएं हैं, भगवान की ही स्वरूप शक्ति है, तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, परंतु बहिरंगा शक्ति का सेवन करने से मेरा कल्याण नहीं होगा, बहिरा शक्ति का उपयोग करने से मेरा कल्याण होगा, सेवन करने से नहीं बल्कि उसका यूटिलाइज करने के बाद में। बहिरंगा शक्ति के द्वारा मुझे जो ये शरीर मिला है इसका एक मशीन के रूप में, एक साधन के रूप में भगवत सेवा के लिए उपयोग करते हुए मैं कल्याण को प्राप्त करूँ। तो एवं जिज्ञासा अपोई, इस प्रकार जिज्ञासा रखते हुए अपोई माने विषयों से अलग हट करके और नानात्म भ्रमम, नाना भ्रम को भी दूर करना चाहिए, भेद बुद्धि को भी दूर करना चाहिए। और उपारमे तो फिर विषयों से वह वैराग्य प्राप्त कर ले, विरजम आसक्ति का त्याग कर दे, रज माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करे, मनोमय अर्पय, मन को मुझ में ही लगा दे, मैं कैसा हूं सर्वगे, सब के भीतर व्याप्त हूं। अगेन इन दिस वे जिज्ञासा मैंने हैविंग द डिस्क्रिमिनेशन अपो ये नानात्व भ्रमम, द फीलिंग ऑफ ड्युअलिटी, द एस्पेक्ट ऑफ ड्युअलिटी शुड बी रिमूव्ड। सो रिमूविंग द ड्युअलिटी दैट इज ड्यू टू द भ्रम इन आत्मा, उपारमेत वन शुड टेक द रिनाउंस सिस्टम ऑफ लाइफ विरजम एंड ही शुड नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट विद द मेटेरियल थिंग्स। मनोमयर ही शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन मी बिकॉज आई एम सर्वज्ञ, आई एम ऑल परवेंट। हाँ 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 भेद बुद्धि तो कुल मिलाकर के जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का अद्वैत तत्व ही उपास्य है। अद्वैत तो माया भी है, जीव भी है, जगत भी है, परंतु भेद होते हुए भी अंत में जाकर के अभेद में स्थिति होना। ये भेद भेद में पड़े रहेंगे तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु भेद के द्वारा अभेद को प्राप्त करना ये बुद्धि है। ये बात यद्य निषेध हारे तुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म में निश्चल मन धारण करने में समर्थ नहीं होता है, ब्रह्म में स्थिर मन धारण करने में, यदि अब ज्ञान की स्थिति तो ये हुई कि ब्रह्म में मन लगाओ, ये ज्ञान की बात कह दी। पंत ठाकुर कह रहे हैं कि हरे ज्ञानी तो हो नहीं सकता, ये अभी अभी जो बात कर रहे थे अपन कि हरे को ज्ञानी हो नहीं सकता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म में निश्चल होकर के मन नहीं लगा सकते हो तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं सर्वाण कर्माणी निरपेक्ष समाचार, अपने कर्मों का भी पालन करो, निष्काम कर्म करो, और निष्काम कर्म करके उन कर्मों को मेरे साथ में जोड़ो, निष्काम कर्म करके उनके फल को मेरे साथ में जोड़ दो, कर्म के फल को मुझ में समर्पित कर दो, और फिर समर्पित करते हुए मुख्य रूप से तो सेवा के कर्म करो, और जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म हैं उनको भी सेवा के कर्म के साथ में जोड़ करके करते हुए विराजमान। ये तो मैं सर्वाण कर्माणि, मैं माने मुझे लक्ष्य करके, एम जो होगा लक्ष्य होगा वो मेरा होगा, ठाकुर की सेवा का लक्ष्य करके सर्वाण कर्माणि, व्यवहार के भी सारे काम करो और सेवा के काम भी, साक्षात सेवा के जो काम है उनका उन कामों को भी करते हुए विराजमान। तो दोनों बात, व्यावहारिक जो काम है उनको भी करो, तो कायिक वाचिक व्यावहारिक जितने भी कार्य हैं उनको भी करेंगे, यह कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर भी देंगे। कायिक माने स्नान, भोजन, मल त्याग, औषधि सेवन,
ये जो शरीर की रक्षा करने वाले जो काम हैं इनको भी करेंगे, और इनको करते हुए इन कार्यों को भी ठाकुर के साथ में जोड़ करके कि स्नान शुद्धि का राम किसके लिए, ठाकुर की सेवा के। ये जो व्यवहार नौकरी दुकान फैक्ट्री चला रहा हूँ वो भी किसके लिए, ठाकुर की सेवा करने के। तो इन दोनों को इस तरह करते हुए मुख्य रूप से ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान, निरपेक्ष, और सेवा करके इसके बदले में मुझे कुछ मिले इसकी भी इच्छा न करें। नाउ अगेन श्री कृष्ण सिंह टू श्री उद्धव जी कि इफ यू आर नॉट सो परफेक्ट टू गेट द ज्ञान दैट एवरीवेयर देयर इज ओनली श्री कृष्ण एंड द अदर थिंग्स आर ओनली इल्यूजन और दे आर टू बी डिस्ट्रॉयड, दे आर मॉर्टल। इफ यू आर नॉट फॉल इन दिस आइडिया इवन देन तो यदि अनिशो धारे तो मनो ब्रह्मणे निश्चलम एंड यू कैन नॉट एबल यू आर नॉट परफेक्ट इन द मेडिटेटिंग इन ब्रह्म ओनली देन मै सर्वाणि कर्माणि यू आर अलाउड टू डू द अदर वर्क्स इवन अदर एक्टिविटीज इवन बट दोज एक्टिविटीज शुड बी रिलेटेड टू मी एंड दोज एक्टिविटीज शुड बी डन फॉर मी, दे शुड बी डन फॉर मी रिलेटेड टू मी द बोथ एंड तो रिलेटेड टू मी एंड फॉर मी दे आर मोटिव शुड बी द प्लीजिंग ऑफ श्री कृष्ण एंड दे शुड बी फिजिकली रिलेटेड टू इन एनी वे दे शुड बी एक्चुअली रिलेटेड टू श्री कृष्ण। तो मैं सर्वांग कर्माणि अनपेक्षा निरपेक्षा एंड निरपेक्ष मीन्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट वी शुड नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ दैट एंड वी शुड नॉट डू दोज थिंग्स फॉर द रिजल्ट दैट वी विल गेट जज बाई दिस एक्सपेक्टेशन द वर्क शुड नॉट बी डन द डिवोशन शुड नॉट बी डन टू गेट द रिजल्ट निरपेक्ष समाचार। अब भक्ति क्या है, ये भक्ति की बात आ गई, ज्ञान नहीं कर सकते हो तो आप भक्ति करो, नहीं नहीं ये और ऑप्शन उद्धव के माध्यम से हम लोगों के लिए भी दिया है, नहीं तो हम लोग इसीलिए तो दिया है कि हम लोग ये भक्ति कर सकते हैं। यदि तुम ध्यान नहीं लगा सकते तो लगाओ, तो भले उद्धव से कहा जा रहा है पर उद्धव के माध्यम से ये हम लोगों के लिए हितकर बात एक रास्ता श्री कृष्ण का है। उस हिसाब से माना जाए तो ब्रह्म को भी जो ध्यान लगाते हैं वो श्रेष्ठ पथ है। ब्रह्म को आप जो ध्यान पर लगाए वो श्रेष्ठ तो है, क्यों नहीं है, परंतु फल की दृष्टि से देखेंगे, बाद में जब विचार करेंगे फल की दृष्टि से तो केवल ब्रह्म में लीन हो जाना वो श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्म के माधुर्य का आस्वादन करना और भक्ति के द्वारा भी वो वस्तु परम आस्वादन को प्राप्त कर किया जा सकता है जो एक ज्ञानी पहले ब्रह्म में लीन होकर के फिर भगवत कृपा के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करेगा वो भक्ति के द्वारा भी वो प्राप्त कर सकता है। इसीलिए योग शास्त्र में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, योग शास्त्र में इसीलिए योग का वर्णन किया, पूरे ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, और अष्टांग योग का वर्णन करने के बाद में अंत में योग सूत्रों में कहा ईश्वर प्रणिधानात् वाह, ये एक योग सूत्र है कि जो वस्तुएं अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होंगी वे सारी की सारी वस्तुएं किसी व्यक्ति को ईश्वर का चिंतन करने से अर्थात सगुण भक्ति करने पर भी वो वस्तुएं प्राप्त होंगी। ईश्वर प्रणिधानात् वाह, केवल ईश्वर का प्रणिधान करने से और ईश्वर की सेवा करने, प्रणिधान का मतलब है ध्यान करते हुए सेवा करने से भी माने भक्ति से भी वो वस्तु में प्राप्त हो जाए, और ज्ञान के बाद में भी अंत में जाकर के भक्ति ही प्राप्त हो।
एक भक्ति कैसे की जाए, साधन भक्ति का, अब यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। और वो है कि साधन भक्ति क्या है, साधन भक्ति के क्या क्या अंग हैं। इनमें सबसे पहले कहा कि श्रद्धालु, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले एक व्यक्ति को श्रद्धालु होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सन शुड बी फुल ऑफ फेथ, श्रद्धालु। देन द फर्स्ट एक्शन इन भक्ति, साधन भक्ति, इज मे कथा श्रवण, श्रवण। आदो श्रद्धा, श्रद्धा होने के बाद में फिर साधु संग जो होगा, भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया में पहली चीज क्या आएगी, मे कथा श्रवण, मेरी कथा को श्रवण करें। भक्ति में प्रवेश ही गुरुदेव के द्वारा दिए गए नाम दीक्षा से होगा, नाम दीक्षा को वह श्रवण करेगा। श्रद्धालु में कथा श्रवण, मेरी कथाओं को सुनेगा, उससे उसके हृदय में थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न हुआ, तब गुरु जी के पास में आया, तो भक्ति में प्रवेश कराने के लिए, उसे एक्टिव करने के लिए सबसे पहले गुरु जी नाम सुनाएंगे। मैं कथा सुनूँ, पहले कथा सुनी, उससे लोभ उत्पन्न हुआ या आकर्षण उत्पन्न हुआ, और आकर्षण उत्पन्न होने के बाद में फिर वह कथा का श्रवण करें। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि रूप गोस्वामी जी ने कहा श्रद्धा पहले, आदर श्रद्धा, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहा कि श्रद्धा के पहले भी दो चीजें, दे आर टू स्टेप्स बिफोर श्रद्धा, एंड दैट इज साधु संग, साधु सेवा। थोड़ा सा साधु संग करें, थोड़ी साधु सेवा करें, तो ये दो पहले निकल गए। फिर आदर श्रद्धा तथा साधु संग, फिर साधु संग और श्रद्धा आई। श्रद्धा के बाद में जब भजन की रुचि उत्पन्न होगी, रुचि पहले रुचि उत्पन्न होगी तब भजन किया जाएगा। तो पांचवा जो अंश आ गया वो आ गया रुचि, साधु संग, साधु सेवा, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर साधु संग के बाद में रुचि। पहले ये जो साधु संग, ये जो हुआ, ये रुचि अनिष्ट की रुचि है, अभी निष्ठा नहीं आई है, अनिष्ट की रुचि है। फिर रुचि के बाद में जब भजन क्रिया की जाएगी तब नैष्ट की रुचि उत्पन्न बाद में। तो श्रद्धालु में कथा श्रवण, श्रद्धालु वो फिर मेरी कथा सुने, कथा सुनने के बाद में साधुओं का विशेष रूप से संग करें, विशेष रूप से संग करने के बाद में जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो रुचि उत्पन्न होकर के भजन करेगा। तो वो कह रहे हैं सुभद्रा लोकपाल ने, कथा कैसी है, सुभद्रा परम कल्याण करने वाली है, लोक पवित्र करने वाली है। सो वन शुड हियर द कृष्ण कथा पास्ट टाइम फ्रॉम श्री कृष्ण, एंड दोस पास्ट टाइम्स दोस कृष्ण कथा इज वेरी सुभद्रा, वेरी ब्यूटिफुल, एज वेल एज लोकपाल ने, इट इज वेरी पायस एंड इट विल प्योरिफाई द होल यूनिवर्स। लोकपाल गायन अनुस्मरण कर्म, फिर गायन माने श्रवण के बाद में कीर्तन आ गया तो उसको कीर्तन करना चाहिए, अनुस्मरण, फिर इसके बाद में कीर्तन के बाद में स्मरण आ गया, अनुस्मरण, मेरे कथा का, मेरे लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। सो ही शुड रिसाइट इट एज वेल एज ही शुड मेडिटेट इट, अनुस्मरण, ही शुड रिमेंबर इट। तो श्रवण कीर्तन एंड स्मरण, स्मरण रिमेंबरिंग, यू शुड रिमेंबर, मेडिटेट दोज कथा, स्मरण कर्म, जन्म चाविनयन मोह, और मेरे जन्म को भी उसको सुनना चाहिए, जन्म की कथाओं को सुनना चाहिए, और अभिनयन मोह, कभी कभी उनका अभिनय भी करना चाहिए। अभिनय करने से श्रवण और अभिनय दोनों, दैट मीन्स दो प्रकार के, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, वन इज हियरेबल लिसनेबल एंड अदर इज दैट इज एक्टिव। सो दृश्य ड्रामेटिकली और बाय लिसनिंग, बाय रीडिंग। तो
दृश्य और श्रव्य दो प्रकार के काव्य होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ पोइट्री. दृश्य मीन्स दैट इज सीन, दैट मीन्स ड्रामा, एंड श्रव्य दैट इज रेड और दैट इज लिसन. सो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के काव्य, इनको हम श्रवण करें. सो गायन अनुस्मरण कर्म, गायन भी करेंगे और अनुस्मरण माने स्मरण भी करेंगे भगवान के कर्म का और जन्म का, और अभिनय मुहु उनके अभिनय का भी दर्शन करेंगे या अभिनय में भी भाग लेंगे. तो तीनों मुख्य भक्ति बता दी, श्रवण कीर्तन स्मरण, इनमें सब कुछ आ गया. अब उनकी सहायक जो वस्तुएं हैं उनकी उनका वर्णन करें. तो मुख्य भक्ति तो साधन भक्ति तो हो गई, श्रवण कीर्तन स्मरण. द मेन साधन इज श्रवण कीर्तन एंड स्मरण. नाउ व्हाट इज असिस्टिंग टू दैट साधन, ही इज डिस्क्राइबिंग नाउ दैट कि मदर थे धर्म कर्मार्थान आचरण मदपाश्रय. मेरे लिए ही धर्म अर्थ और काम इन तीनों का भी वो सेवन करें. तो टू कंटिन्यू वंस लाइफ जर्नी वन शुड डू धर्म एज वेल एज कर्म एज वेल एज अर्थ. ही शुड अर्न इवन फॉर मदर से टू परफॉर्म द सर्विस ऑफ श्री कृष्ण. मदर से धर्म काम अर्थाम आचरण. फिर मदपाश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर के रहे. दैट मीन्स वन शुड सरेंडर टू मी फुली. मदपाश्रय, मुझे ही पूरी तरह से उसको सरेंडर कर देना चाहिए, मेरा ही आश्रय लेकर के विराजमान. ऐसा जो व्यक्ति है माने धर्म अर्थ काम इनको भक्ति के लिए लगा करके भक्ति के साथ में ज्वाइंट करके जो विराजमान हो रहा है लभते निश्चलाम भक्ति में, वो निश्चल भक्ति को प्राप्त करेगा, फर्म भक्ति वो प्राप्त करेगा. मैं उद्धव सनातने, मैं कैसा हूँ सनातन, मैं सर्वदा रहने वाला हूँ. तो मैं उद्धव सनातने, मैं सनातन. सत्संग लब्धया भक्तिया मैं मां चो उपासक. क्लियर है आगे. मदर थे धर्म कामार्थान आचरण. फॉर डिवोशन वन शुड डू इन इट्स एकम्पनी धर्म अर्थ एंड काम. बट मदाश्रय ही शुड टेक इनिशिएशन एंड शेल्टर ऑफ माइंड. ही शुड टेक द इनिशिएशन फ्रॉम गुरु, गुरु से दीक्षा लेकर के मदमाश्रय और उसे भगवान में ही समर्पित होना चाहिए. ही शुड टेक द शेल्टर ऑफ श्री कृष्ण, सबॉर्डिनेशन ऑफ श्री कृष्ण. लभते निश्चलाम भक्ति, इस तरह निश्चला भक्ति को प्राप्त करेगा. मैं उद्धव सनातन, मैं ही सनातन. ये बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लेना चाहिए कि बिना गुरु कृपा के यदि कोई चाहे तो निकुंज की एक सीख नहीं दिखेगी उसे. गुरु की कृपा है तो लीला का दर्शन होगा, भगवत माधुर्य का दर्शन होगा. और गुरु की कृपा का यदि उसने त्याग कर दिया तो लीला दर्शन तो बड़ी दूर की बात है, निकुंज की एक सीख नहीं दिखेगी. ये सुनिश्चित, इस बात को दिमाग में बैठा लेना चाहिए. गुरु शरणागति के द्वारा ही जो कुछ भी हमको अनुभव होगा वो गुरु शरणागति के द्वारा ही होगा. इसलिए गुरु में तो दृढ़ विश्वास रखना ही पड़ेगा. और दृढ़ विश्वास रखने का तरीका ये है कि हम ये माने कि मेरे जो गुरु हैं, ठाकुर ने मेरा कल्याण करने के लिए मेरे गुरु में सारी शक्ति, मेरे लायक जितनी शक्ति की जरूरत है उतनी शक्ति स्थापित कर दी और श्री गुरु मेरे ऊपर कृपा, ठाकुर ने गुरु के माध्यम से मेरे ऊपर कृपा की है. अब उस कृपा को यदि मैं स्वीकार करता हूँ तो मुझे फल मिल जाएगा, और ये स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो फल नहीं मिलेगा. इसलिए गुरु निष्ठा बहुत आवश्यक. इसलिए मद अपाश्रय
ये जो बात है कि मेरा अपमान है दीन बन करके आश्रय ग्रहण करें, दीन बन करके आश्रय ग्रहण करने का मतलब है कि गुरु जी की सेवा करते हुए आश्रय ग्रहण करते हुए बताया। अब ठाकुर यदि किसी के माध्यम से कृपा करना चाहे तो ठाकुर ने जो चाहा होगा, ठाकुर की इच्छा के ऊपर हमारी इच्छा नहीं हो सकती। हमको ऐसा करना चाहिए ये बात अच्छी है, पहले हम ऐसा सोच सकते हैं, परंतु ठाकुर की यदि इच्छा है ठाकुर जी की और उन्होंने यदि हमको गुरु प्रदान कर दिए तो उस समय ये ठाकुर कभी नहीं सोचना चाहिए, ये आप बिल्कुल पहले तो सोचना चाहिए, परंतु जब गुरु शरणागति ग्रहण कर ली तो ये समझना चाहिए कि ठाकुर ने ये हमारे लिए चाहा होगा, इसलिए अब ठाकुर जो कृपा करना हमारे ऊपर चाह रहे हैं ठाकुर जी, उस कृपा को कहीं हम छत्ता लगा करके, अपने तर्क का छत्ता लगा करके उस कृपा के प्रवाह से अपने आप को वंचित न करें, कहीं रोड़ा लगा करके उस धारा से हम अपने आप को वंचित न करें। हाँ जी, ये बात शुरू शुरू पर हाँ पुराने बात नहीं कर रही आपने, और अपने गुरुओं की बात करें, जो गुरु जो दीक्षा है उसको किसी ने दीक्षा दी, उसको किसी ने दीक्षा दी, वो अपने आप ही गुरु बन गया, कहा कि मुझे गुरु। अब सवाल ये है कि उसको कैसे हम परीक्षित करें कि ये सही है गलत है, ये वो कह रहा मुझे गुरु मान लिया, जी अच्छा जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा माल चला रहे हैं, तो ऐसा हम करके अच्छे प्रसाद देते हैं, कोई मिठाई और कोई पकवान और कोई सब चीज़ें मिल रही है, इंडिया खाने को बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा है। ठीक है, पहले हमें बताया गया है, पहले आपको जो वाला हो जिसको कोई स्वाद नहीं होना चाहिए, चार करते पिछा लेकर खाता हो और उसमें ज्ञान और भक्ति भरपूर हो, ये चीज़ आपको देखनी है, वो गुरु सच्चा गुरु हो सकता है, ये सब चीज़ें बताइए ठीक, लेकिन आज के परमेश्वर की सच्चे नहीं तो क्या करना है? उस मध्यम गुरु जो मिले हैं उन मध्यम गुरु की ही हम शरणागति ग्रहण करते हुए विराजमान हैं, और उस समय ये विचार करना चाहिए कि ठाकुर की इच्छा इतनी बड़ी बलवान होगी और वो ठाकुर जी की जो इच्छा है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, वे चाहें तो मुकम करो तो वाचालम पंगु मंगेति गिरिम, इस भाव को स्वीकार करते हुए आज व्यावहारिक दृष्टि से मैं ये देख रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का गुरु पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु ठाकुर की ये क्षमता है कि वे पढ़ा लिखा न होने पर भी उस शिष्य को कहीं ऊंचे से ऊंचा पहुंचा ठाकुर कृपा कर सकते हैं, तो बस ये स्वीकार करना चाहिए, गुरु जब अपना लिए तो उसमें हमको क्वेश्चन करने का, हमको उनकी परीक्षा करने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना ही नहीं, पहले कर लो जब ठाकुर की इच्छा के अनुसार ऐसा हो गया है तो उसे भगवत लीला समझ करके उस लीला के साथ अपने आप को बात है, रामलीला वो तो बहुत सारी है, हाँ तब भी कर, अब उसको आज भी वो गुरु मानते हैं, उसके साथ जो लड़की है जेल में है इस समय, अब
ये दृष्टांत पर एक दूसरी तरफ दृष्टांत इस विवाद में नहीं पड़ के अपने आगे चल रही है, इस विवाद में न पढ़ करके दूसरे दृष्टांत भक्तमाल में बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां पर जड़ वस्तु को भी गुरु और भगवान मान करके लोगों ने भक्ति को प्राप्त की। ये बात तो बिल्कुल सही है, निष्कर्ष की बात बहुत मैंने इस बात इस विवाद में नहीं पढ़ सकती। निष्कर्ष की बात यह है कि हमें आज के परिवेश में गुरु की उन आज्ञाओं को मानना है जो आज्ञाएं श्रीमद् भागवत के अनुकूल हैं, ये बात बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि यदि श्रीमद् भागवत के अनुकूल कोई आज्ञा है और उसकी व्याख्या कर सकने में वो गुरु समर्थ नहीं है क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उस गुरु को हमें अत्यंत अत्यंत आदर देते हुए विराजमान होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मुझे यह द्वार दे दिया, गुरु मुझे एक गेट के रूप में मिल गए जिसके द्वारा कृष्ण कृपा मेरे ऊपर आ गई है, वो रिसोर्स के रूप में गुरु मुझे मिल गए हैं जिसके द्वारा कृपा मेरे ऊपर आ गई है। अब मैं कृष्ण कृपा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि रिसोर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ये विचार नहीं, मुख्य बात नहीं। यदि मैं रिसोर्स के ऊपर विचार करता रहूँगा तो सदा देखता रहूँगा मेरी किचन में जो टोंटी लगी हुई है वो प्लास्टिक की है कि प्लेटिनम की है और उस टोंटी की कीमत को मैं आंकता रहूँगा, सारा ध्यान मेरा जो रहेगा उस टोंटी की कीमत के ऊपर रहेगा कि ये टोंटी मूल्यवान है कि ये दो कौड़ी की है, परंतु जो पानी आ रहा है जो अमृत आ रहा है उस अमृत का ध्यान मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में गुरु एक गेट है जिस गेट के माध्यम से मुझे कृष्ण की कृपा मिल रही है, ठाकुर ने जो भी गेट मुझे दिया उसके माध्यम से कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, जो कृपा प्राप्त हो रही है मेरा सारा ध्यान होना चाहिए उस कृपा पर, मेरा ध्यान उस गेट की बनावट के ऊपर उस गेट की कीमत के ऊपर गेट की कीमत के ऊपर मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए, मुझे जो वस्तु मिल रही है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। जैसे किसी डिब्बे में किसी पैकिंग में जो वस्तु रखी गई है वो पैकिंग किससे की गई इस बात का बिल्कुल महत्व नहीं है, उसके भीतर जो वस्तु है उस वस्तु का ही महत्व है। उसमें कागज की कतरन भर करके वो पैकिंग की गई कि उसमें बहुत बढ़िया फोम लगा करके पैकिंग की गई, फोम को भी उठा करके फेंकना है और कागज की कतरन को भी निकाल करके फेंकना है, अखबार का यदि रैपर है तो उसको भी निकाल करके फेंकना है और बहुत बढ़िया एक पीतल पन्नी है उसकी रैपिंग रैपर लगा कर फेंका है तो उसको भी फेंकना ही है, उसको भी अलग करना है। तो मूल ध्यान जो होना चाहिए वो कृपा के ऊपर होना चाहिए, परंतु तो जो गेट है आखिर में मिल तो रहा है उस गेट से, उस गेट की कृपा गेट यदि बंद हो जाएगा तो हमको कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।
इसलिए बिल्कुल मन में बात बैठा लेनी चाहिए कि श्रीमद गुरुदेव की कृपा के बिना, गुरु शरणागति के बिना मुझे निकुंज की एक सीख भी गुरु कृपा के बिना नहीं दिख सकती। सत्संग लब्धया भक्त्या महिमां, सत्संग लब्धया भक्त्या महिमां सो उपासता सभी दंशन सद्भी अन्य सा बिंदते पदम। यहाँ पर एक प्रकरण पूरा हुआ कि सत्संग के द्वारा जो भक्ति प्राप्त हुई उस भक्ति को प्राप्त करते हुए महिमां सो उपासता, जो उपासक है सवई में दर्शितम सद्भी, मेरी जो उपासना होगी वो उपासना ही संतों ने दिखाई है और उस उपासना के द्वारा मुझे परम फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सत्संग बिल्कुल सही, कहीं विरोध नहीं, विरोध बोल वृंदावन हरिलाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा।